सो so गाइज़ आज का न्यू टॉपिक है स्पीकिंग क्यू कार्ड डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग थिंग यू हैव लर्न फ्रॉम फॉरन कल्चर फॉरन कल्चर से आपने कुछ सीखा उसके बारे में बताना है व्हाट इट इज़ क्या है ये हाउ यू लर्न इट आपने इसको कैसे सीखा वाई यू लर्न इट क्यों सीखा एंड हाउ यू थिंक इट विल हेल्प और आपको क्यों लगता है कि ये मदद करेगा तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं ल बींग अस्टूडेंट आई लव टू लर्न न्यू न्यू थिंग्स एक स्टूडेंट होने के नाते मुझे नई नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद है मोर ओवर आई एम एन ऑप्टिमिस्ट मैं एक आशावादी बंदा हूँ आशावादी पर्सन हूँ अब आशावादी कौन होता है पॉजिटिव काइंड ऑफ पर्सन तो अगर आप ऑप्टिमिस्ट नहीं बोलना यू कैन से आई एम अ पॉजिटिव काइंड ऑफ पर्सन बट एन और ए का ध्यान रखना इफ़ यू से आई एम अ पॉजिटिव काइंड ऑफ पर्सन देन इट्स फाइन एंड इफ यू आर सीइंग ऑप्टिमिस्ट देन यू हैव टू यूज एन आई एम एन ऑप्टिमिस्ट आई ऑलवेज लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ द थिंग्स मैं हमेशा ही पॉजिटिव साइड तरफ ही देखता हूँ हेर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ थिंग विच आई लर्न फ्रॉम फॉरन कल्चर आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक इस तरह के आ, चीज़ के बारे में जो मैंने फॉरन कल्चर से सीखी इट इज अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ मदर्स डे ये है मदर्स डे का सेलिब्रेशन सो दैट मीन्स की मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ वो मदर्स डे के सेलिब्रेशन के बारे में है इट इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड विद ग्रेट एंथुजियाजम ये पूरे वर्ल्ड में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है अगर एंथुजियाजम नहीं बोलना तो आप एनर्जी के साथ बोल सकते हैं कि एनर्जी के साथ सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली आई हैव लिसन लिसन अबाउट दिस डे फ्रॉम माई कज़न हु लिव्स इन अमेरिका सो मैं मेरे को इसके बारे में कहाँ से पता चला कि मेरा एक कज़न है वो अमेरिका में रहता है उससे मेरे को इसके बारे में पता चला यहाँ पर आप बुजम फ्रेंड भी बोल सकते हैं आई हैव ग्रेट बॉन्डिंग विद हिम मेरी उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है आई यूजली स्पेंड मैनी आवर्स टॉकिंग विद हिम मैं ज़्यादातर उसके साथ बातें करने में समय बिताता हूँ ऑन मोबाइल देन ही एक्सप्लेन मी द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मदर्स डे फिर उसने मेरे को इसकी महत्ता के बारे में बताया जब मेरी बातें होती थी तो वो बताता रहता था मदर्स डे के बारे में फ्यू मंथ्स बैक आई कॉल्ड हिम देन ही टोल्ड मी ही इज़ बिजी इन मदर्स डे सेब्रेशन थोड़े दिन पहले ही मैंने उसको कॉल करी थी थोड़े महीने पहले मैंने कॉल करी थी तो तब उसने बोला था कि मैं मदर्स डे के सेलिब्रेशन में बिज़ी हूँ अपार्ट फ्राम दिस ही ऑल्सो टोल्ड मी दैट अमेरिकन एंड कनेडियन सेलिब्रेट दिस डे उसने मेरे को बोला अब यहाँ पर वो अमेरिका में रहता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर एड करा है कि अमेरिकन और कनेडियंस सेलिब्रेट करते हैं दिस डे को चिल्ड्रन डेकोरेट देयर हाउस बच्चे अपने घर को डेकोरेट करते हैं एंड ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर मदर अपनी मदर के लिए गिफ्ट लेके आते हैं आनेस्टली स्पीकिंग चिल्ड्रेन थैंक्स देयर मदर वो बच्चे जो होते हैं अपनी मदर का थैंक्स करते हैं फॉर हर लव एंड अफेक्शन उसके लव और अफेक्शन के लिए जो मदर्स प्यार देते हैं उसका थैंक्स करने के लिए वो मदर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं फ्रेंकली स्पीकिंग आई गॉट इमोशनल आफ्टर लिसनिंग हिज टॉक्स मैंने जब उसकी टॉक्स सुनी तो मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया देन आई डिसाइडेड आई विल ऑल्सो सेलिब्रेट मदर्स डे फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं भी मदर्स डे को सेलिब्रेट करूंगा बिकॉज आई लव माई मदर वेरी मच क्योंकि मेरे को अपनी मदर से बहुत ज़्यादा प्यार है इट वॉज रियली ग्रेट आइडिया टू डेडिकेट वन डे टू मदर ये बहुत ही अच्छा आइडिया था कि किसी कोई एक दिन को मदर के लिए डेडिकेट करना स देन आई सेलिब्रेट मदर्स डे विद माई फैमिली उसके बाद मैं अपनी मदर uh, uh, अपनी फैमिली के साथ अब मदर्स डे सेलिब्रेट करता हूँ आई वी विडली रिमेम्बर लास्ट ईयर आई गेव गिफ़्ट टू माई मदर एंड वी वेंट टू रेस्टोरेंट मैंने अपनी मदर को गिफ्ट दिया था और हम लोग रेस्टोरेंट में गए थे नाव डी इज पीपल इन इंडिया या फिर इंडियंस बोल सकते हैं सेलिब्रेट मदर्स डे मदर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं आजकल लोग आई एम थैंकफुल टू फॉरेन कल्चर मैं फॉरेन कल्चर का बहुत धन्यवादी हूँ फॉर दिस ब्यूटीफुल डे कि ये ब्यूटीफुल डे जो है बनाया है मदर्स डे सेलिब्रेशन मेक्स रिलेशनशिप स्ट्रोंगर ये हमारा रिलेशन जो हमारी बॉन्डिंग है उसको स्ट्रॉगर कर देता है सो दिस इज़ द थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम फॉरेन कल्चर और ये वो चीज़ है जो मैंने फॉरेन कल्चर से सीखी सो गाइस दिस is The cue card. If you like the video, please give us thumbs up and uh, don't forget to subscribe my channel if you're new in this channel. So, thanks for watching. Milti hai ugly video mein.